फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट गीगल। कैसे हैं आप सब? आज मैं बहुत दिन के बाद एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसमें आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन कीमा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं सोयाबीन कीमा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैंने यहाँ पे सोयाबीन ले लिया है जो कि मैंने इसे 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था, और मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी, दरदरा इसे पीस लूँगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है हरा मटर, रेड ऑनियन और स्प्रिंग ऑनियन, अदरक लहसुन, और मसाले में मैंने लिया है जीरा, काली मिर्च, इलायची और लौंग। यहाँ पे इसे मसाले में मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए मैं डालूंगी। और यहाँ पे लिया है मैंने धनिया पाउडर और हल्दी। मैंने यहाँ पे छोटा जार ले लिया। अब मैं सारे मसाले को पीस लूंगी। मैंने यहाँ पे सारे मसाले को पीस के पेस्ट बना लिया है, और मैंने सोयाबीन को भी पीस कर दरदरा कर लिया है कुछ इस तरीके से। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया, इस ऑयल में मैं तेज पत्ता डालूंगी। अब मैं कढ़ाई में सोयाबीन डालूंगी और इसे कुछ देर तक फ्राई करूंगी। आप देख सकते हैं मेरे सोयाबीन अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। मसाले डालने के बाद अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी और हरा मटर ऐड करूंगी। अब धीमी आंच में मुझे इसे पकाना है ढककर, ताकि इसके मसाले अच्छे से भुन जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी डालने के बाद कुछ ये इस तरीके का हो जाएगा। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं कि मेरा सोयाबीन कीमा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से अपने घर पे बनाइए और गरम गरम सर्व करिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।